नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मृदु चंदेल। देश में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या के बीच पंजाब से बड़ी खबर सामने आई है। यहां पटियाला की नाभा जेल में कोरोना विस्फोट हुआ है। जानकारी के मुताबिक जेल में 43 महिला कैदी और एक बच्चा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। सभी मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। आपको बता दें कि जिला प्रशासन के निर्देशों पर एक टीम जेल में कोरोना जांच कर रही है। इस दौरान जेल कर्मचारियों और अधिकारियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। बता दें कि पंजाब उन राज्यों की सूची में शामिल है जो सबसे अधिक कोरोना ग्रस्त हैं। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या अब बढ़कर 5,40,720 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 94.19% हो गई है। इसके अलावा बीते 24 घंटे में 271 लोगों की मौत होने से मरने वालों का आंकड़ा 1,62,114 हो गया है। देश में अब तक कुल 1,13,93,021 मरीज इस बीमारी से उभर चुके हैं। गौरतलब है कि भारत ने 6 महीने पहले 16 सितंबर को अब तक के सबसे ज्यादा 93,617 दैनिक मामले दर्ज किए थे। वहीं 15 सितंबर को अब तक की सबसे ज्यादा 1,159 एक दिवसीय मौतें दर्ज हुई थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 8 राज्यों महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात, केरल, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में कोविड-19 मामले लगातार बढ़ रहे हैं। इन हालातों को देखते हुए केंद्र ने सलाह दी है कि वो मामलों में वृद्धि को रोकने के लिए कड़े कदम उठाएं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।